हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और वह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो बात करें हम SSC का, रेलवे का, बैंकिंग का या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का। लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन होगा, जिसमें हम लोग थ्योरी के साथ साथ लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट होगा, उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के केवल उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आज के बाद आपको इस पूरे टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग टर्म क्या क्या यूज करते हैं, शब्द क्या क्या यूज करते हैं। तो सब यहाँ पे लिखा गया है। जो पहला टर्म हम लोग यूज करते हैं वो है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग क्रैमुल बोलते हैं और शॉर्ट में इसको हम लोग CP से दर्शाते हैं। क्रैमुल किसको बोलेंगे? तो जैसा कि नाम ही है, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत हम लोग देते हैं वह क्रैमुल कहलाता है। जैसे हमने इस मार्कर को 500 रुपये में खरीदा, तो मार्कर का क्रैमुल मेरे लिए कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। तो जितना मूल्य में कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं वह क्रैमुल कहलाता है, और यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर क्रैमुल को हम लोग CP से दर्शाएंगे। दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको शॉर्ट में हम लोग SP से दर्शाएंगे, और इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को बेचने पर जो कीमत हमें प्राप्त होती है वह आपका कहलाता है विक्रय मूल्य। खरीदने के लिए जो कीमत हम देंगे वह क्रय मूल्य होगा, बेचने पर जो कीमत हमें प्राप्त होगी वह विक्रय मूल्य कहलाता है। क्रैमुल विक्रैमुल का अंतर ही होता है आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ और हानि भी। क्रैमुल विक्रैमुल का दोनों अंतर होता है, ठीक है? विक्रैमुल और क्रैमुल का अंतर लाभ होता है, और क्रैमुल और विक्रैमुल का अंतर हानि होता है। इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। और अगला जो टर्म यूज होता है वह है आपका MRP। MRP को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस। इसका हिंदी होता है अंकित मूल्य, या फिर सूची मूल्य, या फिर छपा मूल्य। किसी भी वस्तु के ऊपर जो कीमत छपा रहता है, जो अंकित रहता है, उसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, या सूची मूल्य बोलते हैं, या फिर छपा मूल्य बोलते हैं, उसी को हम लोग MRP भी बोलते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग डिस्काउंट टॉपिक के अंदर करेंगे, जो इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद देखेंगे। डिस्काउंट जब भी मिलता है तो इसी MRP पे ही मिलता है। कोई भी दुकानदार जो है जितना भी वस्तु को खरीदता है उस पर डिस्काउंट नहीं करता है, वो उस पर जो कीमत छपा रहता है, जो MRP होता है, उसके ऊपर डिस्काउंट करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं? का बहुत ज्यादा यूज हम लोग करने वाले हैं अगले टॉपिक में, और जो अगला टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे डिस्काउंट, ठीक है? तो यह सब टर्म है जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें कुछ चीजों को और आप समझ लीजिए। देखिए, समझना यह है कि अगर किसी वस्तु को हम जितना में खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और जितना में खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। यह तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ज़्यादा में सामान को बेचेंगे तो लाभ होगा और कम में बेचेंगे तो हानि होगी। जैसे किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा, अब 500 से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। जैसे 600 में बेचेंगे तो 100 रुपये का लाभ, 700 में बेचेंगे तो 200 रुपया का लाभ, चूंकि हमने 500 में खरीदा है। और अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हमने 500 में खरीदा है और अगर उसको हम 400 में बेचेंगे तो 100 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो 100 रुपये की हानि है ना। 300 में बेचेंगे तो 500 में खरीदे थे, 300 में बेच रहे हैं, 200 रुपये कम में बेच रहे हैं, यानी 200 रुपये की हानि। तो कहने का यह मतलब है कि क्रैमुल विक्रैमुल का जो डिफरेंस होता है ना, वही आपका लाभ और हानि दोनों होता है। लाभ के केस में क्या होता है? विक्रैमुल ज़्यादा होता है क्रैमुल से। और हानि के केस में क्या होता है कि विक्रैमुल जो है, जो सेलिंग प्राइस है, वह कम होता है क्रैमुल से। जितना में खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं तो हमें हानि हो जाती है। अब एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, वो है आपका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ठीक है? प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, इसको अगले पेज पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रतिशत लाभ क्या होता है? जनरली लाभ तो हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं, विक्रयमूल क्रयमूल का जो अंतर होगा वह लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना, आप लोगों से ज़्यादातर प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोला जाता है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में। तो सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ध्यान रहे कि जब भी प्रतिशत लाभ निकालना होगा ना, तो आपको लिखना है सबसे पहले लाभ, और बट्टा में आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है? बट्टा में हमेशा क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि लाभ और हानि दोनों का गणना हम लोग क्रैमुल के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, और कम में बेचते हैं तो हानि होता है। तो किससे ज़्यादा कम में? क्रैमुल से ज़्यादा कम में। मतलब लाभ और हानि दोनों का गणना हम लोग क्रैमुल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यही कारण है कि अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है? लाभ बट्टा में कॉस्ट प्राइस ही लिखना है,
और प्रतिशत में मान चाहिए तो इसके लिए हम लोग गुणा करेंगे कितना से, 100% से। 100% से गुणा तो बस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वैल्यू प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाए। 100% का मतलब वास्तव में पता है क्या होगा, 100 × 1/100 होगा, इससे यह कैंसिल। वास्तव में आप कितना से गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, ठीक है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या है, लाभ बट्टा क्रयमूल गुना 100। और अगर हम बात करें प्रतिशत हानि का, यह दो टर्म तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को पीछा नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता जाएगा, बट यह चीज़ें आपके सामने लगातार आती रहेंगी। तो प्रतिशत हानि बराबर आपका होगा हानि बट्टा कॉस्ट प्राइस, हानि बट्टा कॉस्ट प्राइस गुना 100। कहने का यह मतलब है कि चाहे तो प्रतिशत लाभ निकालना हो या फिर प्रतिशत हानि निकालना हो, दोनों के लिए बट्टा में हमें सीपी ही देना है। देख लीजिए, यहाँ पे भी सीपी है और यहाँ पे भी क्या है, सीपी है। दोनों के लिए बट्टा में आपको कॉस्ट प्राइस ही देना है। मतलब वही है फिर से कि चाहे तो बात करें हम लोग प्रतिशत लाभ का या फिर प्रतिशत हानि का, दोनों हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, क्रयमूल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा। अब इतना चीज़ आप समझ चुके हैं, अब इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करते हैं, फिर जहाँ पे हमें थ्योरी की आवश्यकता होगी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा। देखिए, कावेरी एक खिलौना को खरीदी है कितना में, 280 रुपये में। तो खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रयमूल है, वह कितना हो जाएगा, 280, और इसे 315 में बेच दिया। बेच दिया यानी कि सेलिंग प्राइस, बेच दिया कितना में, बेच दिया 315 में। अब आप देख लीजिए, आराम से समझ रहे होंगे चीज़ों को, है ना। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत हम लोग किए हैं ताकि इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ सके। तो वस्तु को खरीदी है, खिलौना खरीदी है 280 में और बेच ली 315 में। तो देख लीजिए, ज़्यादा में बेची है ना, तो ज़्यादा में बेची होगी, तो बेची है तो पक्का लाभ होगा। अब हमें बताना है उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं लाभ। तो लाभ पहले देखिए कितना का हुआ, 280 में खरीदा, 315 में बेचा, कितना ज़्यादा में बेचा है, 35 रुपये ज़्यादा में बेचा है, यानी 35 रुपये का लाभ हो जाएगा। देखिए ना, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 300 और प्लस 15 यानी 35 रुपये ज़्यादा में बेचा है। आप चाहे तो 315 में से 280 घटा सकते हैं। लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल होता है, देख के भी पता चल रहा है कि 35 ज़्यादा में बेचा तो 35 रुपये का लाभ हो गया। अच्छा, बट्टा में क्या लिखेगा, क्रयमूल की विक्रयमूल, तो बट्टा में हमेशा हम लोग क्रयमूल ही लिखते हैं, तो 280 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए गुणा करना है 100 से, लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा। देख लीजिए, यही मेथड यूज किए हैं, लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100। अगर हानि होता तो हम क्या लिखते, हानि बट्टा क्रयमूल गुने 100। मान लीजिए 315 में खरीदता और 280 में बेच लेता, 315 में खरीदता और 280 में बेच लेता, तब क्या होता, 35 की हानि होती। तो हम लिखते 35/280, 35/315, है ना, हानि बट्टा क्रयमूल, बट्टा में हमेशा क्रयमूल लिखना है, और गुना करेंगे 100 से। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, लाभ तो लाभ बट्टा क्रयमूल गुना 100, हानि तो हानि बट्टा क्रयमूल गुने 100। अब इसे हमें केवल सोल्व करना है, 35 से अगर इसको काटते हैं तो 35 × 8 = 280 हो जाएगा, क्योंकि 35 × 70, 70 × 4 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, फिर 5 से काटेंगे 8 हो जाएगा। 4 से इसको काटिए, 4 × 2 = 8, 4 से इसको काटिएगा 25, ऊपर में देखिए 25, 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5% का इस सौदे में क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो आपको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100। अच्छा, मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ऐसे रहता कि वस्तु को खरीदा तो 315 में इस बार खरीदा और बेच लिया 280 में, अब आप बताइए कि क्या होगा। सर, इस बार ना वस्तु को ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो हानि होगा, कितना का हानि होगा, 35 का, तो 35 लिखेंगे, बट्टा में क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना लिए हैं इस बार, 315, तो बट्टा में 315 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी चाहे तो प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो, दोनों में से कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन क्या है, बोला है 25 वस्तुओं का क्रयमूल। देख लीजिए, वस्तु आ गया है, अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर डायरेक्ट अप्रोच में हम आपको बताएंगे कि क्या बनाना है। देखिए, बोला क्या है कि 25 वस्तु का क्रयमूल 20 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर। तो हम ऐसा करते हैं ना, एक वस्तु का क्रयमूल हम मान लेते हैं 80 रुपये, एक वस्तु का क्रयमूल कितना मान लिए, सी, क्योंकि सी से होता है कॉस्ट प्राइस,
और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं एस रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य सी रुपए और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एस रुपए हम मान लें। सी से कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है, एस से सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, इस वजह से माने हैं। अब आगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य सी रुपए, तो आप बताइए कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 सी रुपए नहीं होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य सी तो 2 का 2c, 3 का 3c होगा, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25c हो जाएगा। अब यह जो है वह आपका 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एस तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20s होगा। तो यह 25 वस्तु का क्रय मूल्य है और यह 20 वस्तु का विक्रय मूल्य है और दोनों के बारे में क्या बोला है कि दोनों आपस में बराबर है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम लोग बिल्कुल वैसा कर दिए, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25c, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20s, दोनों आपस में बराबर है, एक वस्तु का क्रय मूल्य सी माने और एक वस्तु का विक्रय मूल्य एस माने। अब यहां से देख लीजिए रेशियो में आपको एक चीज समझना है, जैसे सी और एस में यहां पे अनुपात आपको निकालना है। क्या समझना है कि अगर देख लीजिए सी का मान निकालना होगा ना, तो सी का मान वही होगा जो सी के सामने होगा, तो सी के सामने क्या वैल्यू दिखा है 20, तो सी का वैल्यू 20 हो जाएगा, और एस का वैल्यू वही होगा जो एस के सामने दिखा है, तो एस के सामने क्या वैल्यू दिखा है 25, तो एस का मान 25 हो जाएगा। यानी इसको अनुपात में सी और एस का अनुपात यहाँ से निकल जाता है, सी और एस का अनुपात क्या निकलेगा 20:25। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, देख लीजिए सी को इस तरफ रहने दीजिए, एस इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या होगा सी बट्टा एस बराबर पहले से इस तरफ क्या है 20, और इस 25 को इस तरफ से इधर ले जाइए तो 25 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी दोनों वेरिएबल को ए बी सी डी वाला को वेरिएबल बोलते हैं और ए बी और अंक को हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो दोनों वेरिएबल को एक तरफ ले आए तो सी बट्टा क्या होगा एस, और दोनों संख्या को एक तरफ, तो 25 को इधर ले जाएंगे तो 20:25, एस को इधर लाएंगे तो सी बट्टा एस। अब सी बट्टा बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात, तो सी अनुपात एस बराबर 20:25, यानी 20:25 क्या आ गया 25 आ गया। अब गौर से आप देखिएगा तो पता चलेगा कि जो C का वैल्यू है C के सामने वाला हो गया, C का वैल्यू कौन हुआ जो C के सामने है, और S का वैल्यू कौन हुआ जो S के सामने है, गुना वाला वैल्यू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा यह तो C के गुना में है, C के बराबर में जो होगा वह C का मान होगा। तो यहां से क्या निकल गया है आपका C और S का मान, और C और S के मान का मतलब हुआ कि C क्या माने थे कॉस्ट प्राइस माने थे और S क्या माने थे सेलिंग प्राइस, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 रुपए, सेलिंग प्राइस 25 रुपए। तो हमने वस्तु को 20 में खरीदा 25 में बेचा, तो अब बताइए कि क्या होगा 5 रुपए का लाभ होगा, लाभ ही तो होगा ना, 20 में खरीदे 25 में बेचे तो कितना का लाभ होगा 5 का लाभ होगा। बट्टा में क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ही तो लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन हमारा हो चुका है सोल्व, देखिए 20 से काटिए, 20 × 5 = 100, 5 × 5 यानी क्या होगा 25%, 25% का इस सौदे में क्या हो जाएगा 25% का इस सौदे में लाभ हो जाएगा। तो एक बार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया तो हम लोग प्रतिशत लाभ तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ना बार बार आता है। अब डायरेक्ट इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे, देख लीजिए इसको हम देखें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ जैसे ही वस्तु के रूप में दे तो उल्टा हो जाएगा, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बोला है ना, तो 25 को आप विक्रय मूल्य में लिख दीजिए, यह 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 विक्रय मूल्य है, इसको कहाँ लिख देना है क्रय मूल्य में लिख देना है, उल्टा कर दीजिएगा, वस्तु के केस में उल्टा हो ही जाता है, क्यों उल्टा होता है अभी आपने देखा। तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 25 क्रय मूल्य है तो इसको विक्रय मूल्य में लिखिए, और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य है तो इसको क्रय मूल्य में लिख दीजिए। अब आपके पास दोनों चीज आ चुका है, आपके पास क्रय मूल्य भी आ चुका है, विक्रय मूल्य भी आ चुका है, तो अब आप आसानी से प्रतिशत लाभ निकालिए, प्रतिशत हानि निकालिए, वह डिपेंड करता है इस डाटा के ऊपर, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य कम होता क्रय मूल्य से तो हानि हो जाती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए दो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बोला 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप सीपी और एसपी में रेशियो देख लेना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है 15 संतरा का क्रय मूल्य, तो 15 कहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य में लिख देंगे, 15 संतरा का क्रय मूल्य 20 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 विक्रय मूल्य है तो इसको कहाँ लिख देना है क्रय मूल्य में लिख देना है, बस एक को विक्रय मूल्य में लिखे वैसे ही दूसरा को हम विक्रय मूल्य में लिख देना है। अब जब आप इतना कर दिए, ऐसा कब करना है, ऐसा तब करना है जब वस्तु के रूप में रहे 15 संतरा का क्रय मूल्य, ऐसा नहीं बोला है कि 15 रुपए में संतरा को खरीदा है, बोला है 15 संतरा का क्रय मूल्य 20 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम वही लिखते 15c = 20s, फिर c का वैल्यू कितना आ जाता आपका 20, s का वैल्यू कितना आ जाता 15,
कॉस्ट प्राइस आ जाता, सेलिंग प्राइस आ जाता। अब आप यहाँ पे देखो कि कॉस्ट प्राइस आपका 20 है और सेलिंग प्राइस 15 है, तो वस्तु को खरीदा गया है इस बार ज़्यादा में और बेचा जा रहा है कम में, तो पक्का क्या होगा इस सौदे में, इस बार पक्का हानि होगा सर। तो आपको बताना है प्रतिशत हानि, बताइए क्या क्या करिएगा आप। 20 में खरीदा 15 में बेचा तो 5 की हानि हो गई, तो ऊपर में तो हानि लिखेंगे। बट्टा में हमेशा क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो बट्टा में 20 ही लिखिएगा। बट्टा में हमेशा कॉस्ट प्राइस, लाभ और हानि दोनों कैलकुलेट हम लोग क्रैमुल पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, तो हमेशा बट्टा में आप कॉस्ट प्राइस ही लिखिएगा, लागत मूल्य ही लिखिएगा। तो 5/20 और गुना करेंगे कितना से, 100 से गुना करेंगे। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 16 भी, यहाँ से 20 से काटिए, 20 पंचे 100, 5×5 यानी कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 25%, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु के रूप में दे तो क्या करना है आपको, आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो इस वाले क्वेश्चन को ना, जब आपको हम क्रैमुल विक्रैमुल दे और साथ में परसेंटेज लाभ दे तो क्रैमुल कैसे निकालेंगे, या क्रैमुल दे साथ में परसेंटेज लाभ हानि दे तो विक्रैमुल कैसे निकालेंगे, उन चीज़ों को बता करके इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब अगला यह टाइप है, ध्यान से समझते चलिएगा। अब तक दो टाइप हम लोग देख चुके हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन, क्रैमुल दिया जाए विक्रैमुल दिया जाए प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालेंगे। दूसरा आपने देखा कि अगर लाभ और हानि वस्तु के केस में दे, उस केस में हम लोग प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालेंगे, क्रैमुल विक्रैमुल कैसे निकालेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से बोला है। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया। देखिए 5 रुपए में ना, 5 रुपए में कितना वस्तु खरीदा गया, 6 वस्तु। पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, फिर शॉर्टकट इसका भी देखेंगे। 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा गया और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा गया, और 6 रुपए में ना 5 वस्तु के हिसाब से बेचा गया। अब गौर से यहाँ पे समझिएगा कि दोनों में से क्रैमुल कौन है, विक्रैमुल कौन है। पहला वाला क्रैमुल है, कॉस्ट प्राइस है, और दूसरा वाला विक्रैमुल है, सेलिंग प्राइस है। देख लीजिए आप, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा और फिर 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेच दिया। क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा और फिर 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दिया, या विक्रयमूल है या क्रयमूल है। लेकिन गौर से देखिएगा तो दोनों जगह पता चलेगा कि वस्तु का संख्या अलग अलग है। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि जितना वस्तु का क्रयमूल है उतना ही वस्तु का विक्रयमूल मालूम रहे, तब प्रतिशत लाभ हानि हम लोग निकाल पाएंगे। जैसे एक वस्तु का क्रयमूल मालूम और एक वस्तु का ही विक्रयमूल मालूम रहे तो प्रतिशत लाभ हानि निकाल सकते हैं, या 10 वस्तु का क्रयमूल है और 10 वस्तु का ही विक्रयमूल मालूम रहे तो प्रतिशत लाभ हानि हम लोग लाभ बट्टा क्रयमूल गुणे 100 करके निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रयमूल तो है 6 वस्तु का, और विक्रयमूल कितने वस्तु का, क्रैमूल आपका देख लीजिए यह कितने वस्तु का है, 6 वस्तु का, और यह जो विक्रैमूल है वह कितने वस्तु का है, 5 वस्तु का। तो प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालेंगे, तो तरीका यह कहता है कि पहले तो आप वस्तु के संख्या को बराबर करिए। तो 6 और 5 कितना पे जाके बराबर होगा, 30 पे, यानी इसमें भी 5 से, इसमें 5 से गुना और इसमें 6 से गुना करेंगे तो वस्तु का संख्या बराबर हो जाएगा। 6×5=30 वस्तु, 6×5=30 वस्तु, यानी ऊपर वाले में 5 से गुना, नीचे वाले में 6 से गुना करेंगे तो वस्तु का संख्या बराबर हो जाएगा। तो वस्तु का संख्या बराबर कर दिए। अब आप सोचिए कि 5 रुपए में 6 वस्तु है, तो 5 गुना वस्तु अगर हमें चाहिए तो 5 गुना रुपया भी तो खर्च करना पड़ेगा, 5 रुपया 5 गुना दाम भी तो बढ़ जाएगा। तो 6 वस्तु, 5 रुपए में 6 वस्तु, तो 6×5=30 वस्तु का कीमत 5×25 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 6 रुपए में 5 वस्तु, तो 5×6=30 वस्तु का कीमत 6×6 कितना हो जाएगा, 36, यानी जितना गुना वस्तु बढ़ाएंगे रेट भी उतना गुना बढ़ेगा आपका। यहाँ पे 5 रुपए तो 6 वस्तु का कीमत था, तो 6×5 5 गुना वस्तु चाहिए तो 5 गुना कीमत भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, 5 वस्तु का कीमत था, आपको 6 गुना वस्तु चाहिए तो 6 गुना कीमत भी देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, इसकी संख्या को देखिए, बराबर नजर आएगा, 6×5=30 वस्तु, 6×5=30 वस्तु, दोनों जगह वस्तु का संख्या बराबर। अब 30 वस्तु 30 वस्तु, तो 30 वस्तु खरीदा गया है 25 में और बेचा गया है 36 में। क्लियर, खरीदा गया कितना में, 25 में और बेचा गया 36 में। तो देख लीजिए, क्रैमुल भी पता चल गया और विक्रैमुल भी पता चल गया। क्रैमुल कितना, 5×5=25 रुपया क्रैमुल हो गया। विक्रैमुल कितना, 6×6=36 रुपया विक्रैमुल हो गया। तो क्रैमुल विक्रैमुल मालूम हो गया, तो अब आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो 25 में खरीदा 36 में बेचा, तो लाभ कितना का, 11 का। 25 में वस्तु को खरीदा गया, 36 में बेचा, तो 11 का लाभ कितना पे,
बटा में तो कॉस्ट प्राइसिंग लिखते हैं तो 25 लिखेंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, आंसर आपका आ जाएगा। सोल्व करिए, 25 चौके 100 यानी 11 चौके 44% आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक मेथड यह है आपका, ठीक है। बेसिक मेथड यह है कि हम दोनों जगह क्या करेंगे, वस्तु के संख्या को बराबर कर लेंगे, और एक बार वस्तु का संख्या बराबर हो जाएगा तो फिर जितना वस्तु का क्रयमूल है उतना ही वस्तु का विक्रयमूल आ जाएगा, तो फिर प्रतिशत लाभ हानि निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। यह तो आपका बेसिक मेथड था। डायरेक्ट अप्रोच देखिए क्या है, क्वेश्चन में कुल मिला के डाटा तो यही है। डायरेक्ट देखिए तरीका यह है कि हमें करना है खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम। ध्यान से समझिएगा, क्या करना है, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम, तो 6 × 6 क्या हो जाएगा 36, माइनस दोनों में जो बच गया उसको गुना करिए, तो दोनों में यही दोनों बचा है तो गुना करिए, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। फिर से समझिए क्या करना है, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाले का दाम, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। अब क्या करना है, दोनों में जो बच गया है उसको गुना करिए, तो 5 × 5 बचा है तो क्या होगा 25। अब जो बच गया उसको गुना करके घटा लेना है, बट्टा में जिसको घटाए हैं उसी को लिखिएगा, तो बट्टा में क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए आपको गुना कर लेना है 100 से। सोल्व करिए आप इसको, आंसर आपका आ जाएगा 25 से काटिए, 25 × 100, यहाँ पे 36 में से 25 माइनस करेंगे 11, 11 चौके कितना हो जाएगा आपका 44, तो 44% आपका यहाँ पे लाभ हो जाएगा। वैल्यू प्लस में आ जाए तो लाभ समझिएगा, माइनस में आ जाए तो हानि समझिएगा। तो दूसरा जो मेथड है वह क्या कहता है आपका ऐसे क्वेश्चन में कि इतने रुपए में इतना वस्तु खरीदा, इतने रुपए में इतना वस्तु बेचा, तो कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि होगा। तो डायरेक्ट तरीका यह है कि हम खरीदने वाले का वस्तु लेंगे और बेचने वाले के दाम के साथ उसका गुना कर देंगे, तो 6 × 36 हो जाएगा, माइनस दोनों में जो बच गया है, तो बचा होगा क्या, खरीदने वाला का दाम, बेचने वाला का वस्तु बचा होगा, तो इस दोनों को गुना करके घटा लेंगे, बट्टा में जिसको घटाएंगे उसी को प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। तो डायरेक्ट अप्रोच आपका यह है, इससे आप सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बोला है एक आदमी ने एक रुपए में ही 5 कलम खरीदा और 1 रुपए में 4 कलम बेच दिया। इसका मतलब यह हो गया, ध्यान से समझिए, इसका मतलब हो गया कि 5 कलम का क्रयमूल 4 कलम के विक्रयमूल के बराबर। हम लिख सकते हैं 5 कलम का जो क्रयमूल है वह 4 कलम के विक्रयमूल के बराबर होगा। ध्यान से देख के बताइए जरा सा, यह कॉन्सेप्ट लागू होगा कि नहीं। बिल्कुल लागू होगा सर, 1 रुपया में ही 5 कलम खरीदा और 1 रुपए में ही 4 कलम बेच दिया, यानी जितना में 5 कलम खरीदा है उतना में 4 कलम बेच दिया, मतलब 5 कलम का क्रयमूल 4 कलम के विक्रयमूल के बराबर। तो फिर तो वही क्वेश्चन हो गया जो वस्तु के केस में आपको मिलता था। अब आप सोल्व कर लीजिए, सी और एस में अनुपात बताइए क्या होगा, तो जो सी के सामने होगा वह सी का वैल्यू, तो क्या होगा सी का वैल्यू 4, और जो एस के सामने होगा वह एस का वैल्यू, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जो आप देखे थे कि 20 वस्तु का क्रयमूल 25 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है, उसी तरीके का। पुनः समझिए, 1 रुपया में 5 कलम खरीदा और 1 रुपया में 4 कलम बेच दिया, मतलब जितना में 5 कलम खरीदा उतना में 4 कलम बेचा, मतलब 5 कलम का क्रयमूल यानी कॉस्ट प्राइस 4 कलम के विक्रयमूल के बराबर। अब आप यहां से प्रतिशत लाभ हानि निकाल दीजिए तो क्या होगा, इस सौदे में लाभ होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो 1 का लाभ बट्टा में क्रयमूल, तो क्या लिखेंगे 4, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 4 से काटिएगा 25, तो 25% का क्या होगा लाभ या हानि, सर 25% का तो लाभ ही होगा क्योंकि विक्रयमूल ज़्यादा है, तो विक्रयमूल ज़्यादा रहे उस केस में क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, ठीक है। तो पूरे जो है ना टेक्निकल टर्म को आप समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़िए। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आपको समझना है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। कहने का मतलब है कि अगर क्रयमूल के साथ प्रतिशत लाभ दे या प्रतिशत हानि दे तो विक्रयमूल कैसे निकालेंगे, या विक्रयमूल के साथ प्रतिशत लाभ हानि दे तो क्रयमूल कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि क्रयमूल जो होता है वह अपने आप में 100% होता है। इस टॉपिक के अंदर अगर हम 100% का वैल्यू निकाल दें तो वह हमारा क्या निकल के सामने आएगा, क्रयमूल निकल के सामने आएगा।
पहली चीज क्रैमूल जो होता है वो आपका कितना होता है 100% होता है। 100% मतलब क्रैमूल, क्रैमूल को 100% से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जैसे किसी भी संख्या का 100% आप निकाल के देखिए कितना आता है। जैसे इस क्वेश्चन में 1250 रुपया क्रैमूल दिया गया है, तो 1250 का 100% निकालिए तो क्या होगा, 100%। अच्छा, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इस प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ही तो होता है ना, प्रतिशत रहेंगे बट्टा में 100, तो इससे यह कैंसिल हो गया, यानी कितना आएगा, 1250 ही आएगा। तो किसी भी संख्या का 100% खुद वह संख्या होता है, ध्यान रहे, किसी भी संख्या का 100% क्या होता है, खुद वह संख्या होता है, पहला चीज। दूसरा टर्म आपको क्या समझना है कि कॉस्ट प्राइस अगर हम 100% लेते हैं, तो अगर किसी वस्तु को हमें 10% लाभ पर बेचना है, तो 10% लाभ कब होगा, जब हम उस वस्तु को क्रैमूल से 10% ज़्यादा में बेचेंगे। अरे सिंपल सी बात है कि 10% हमें लाभ चाहिए, तो 10% हमें लाभ कब होगा, जब किसी भी वस्तु को हम लोग क्रैमूल से 10% ज़्यादा में बेचेंगे। और क्रैमूल कितना माने हैं, 100%, तो 100 से 10% ज़्यादा, यानी कि विक्रैमूल क्या हो जाएगा आपका, 110%। अगर किसी वस्तु को 110 में बेच दिए ना, तो 10% का लाभ हो जाएगा। किसके 110% में, क्रैमूल के 110% में बेचेंगे तो 10% का लाभ। अगर हम आपसे पूछे कि भाई हमें 20% का लाभ चाहिए, तो वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, तो 20% लाभ चाहिए, तो वस्तु का क्रैमूल तो 100% है, तो इससे 20% ज़्यादा में बेचिए, तभी तो 20% का लाभ होगा। यानी आपको अपने वस्तु को क्रैमूल के 120% में बेचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हमने बेचा और 30% की हानि हो गई, तो 30% हानि होने का मतलब क्या है, तो 30% हानि होने का मतलब है कि हमने वस्तु को उसके क्रैमूल से 30% कम में बेच लिया। तो क्रैमूल 100 होता है, 100 से 30% कम में बेच लिया, मतलब कितना में हमने वस्तु को बेच लिया, 70% में बेच लिया। हमने किसी वस्तु को बेचा तो 10% की हानि हो गई, इसका मतलब है कि हमने उस वस्तु को क्रैमूल के 10% कम में, क्रैमूल 100% मान के चलते हैं, तो 100 से 10 कम में, यानी उसको हम लोगों ने उसके क्रैमूल के 90% में ही बेच दिया। ओके, चलिए, तो इन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। आगे देख लीजिए, इस क्वेश्चन का पहले हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बोला है मंगलू एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदा। देखिए 1250 रुपया क्या है, 1250 रुपया आपका क्रैमूल है, 1250 में खरीदा। अब बोला है कि कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो आप सोचिए जरा सा कि 10% लाभ के लिए वस्तु को उसके क्रैमूल के 110% में बेचना पड़ेगा। तो क्रैमूल 1250 है, तो 1250 के 110% में अगर हम इस वस्तु को बेच दे, तो 10% का लाभ हो जाएगा। 1250 क्रैमूल है, 10% लाभ चाहिए, तो 110% में बेचना पड़ेगा। अब इस प्रतिशत का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, बट्टा में 100 होता है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 100 से तो 2 जीरो कैंसिल होगा ही, और 125 में 11 से गुना करिएगा तो 1375, यानी कि 1375 रुपये में अगर इसको हम बेचे तो 10% का लाभ हो जाएगा। अगर बोला गया होता कि कितना में बेचे कि 30% का लाभ होगा, तो इसके 130% में अगर वस्तु को बेचते तो 30% का लाभ हो जाता। कितना में बेचे कि 40% का लाभ हो, तो इसके 140% में बेचते तो 40% का लाभ हो जाता। तो विक्रयमूल डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकालेंगे, क्रैमूल देगा प्रतिशत लाभ दे या प्रतिशत हानि दे, तो विक्रयमूल ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहता कि किसी वस्तु को हमने 500 रुपये में खरीदा, अब कितना में बेचे ना, इसको बेचने पर 10% की हानि हो गई, तो कितना में बेचा गया होगा, तो 10% की हानि कब होगा, जब किसी वस्तु को उसके क्रैमूल के 90% में ही बेच देंगे। 10% हानि का मतलब 90% में बेच दिया गया होगा, प्रतिशत से 00 कैंसिल, 5 × 9 = 45, यानी 500 का सामान कितना बेचा गया होगा, 450 में, तभी उसको 10% की हानि हुई। ठीक है, तो क्रैमूल देख करके, अगर आपसे क्रैमूल के साथ प्रतिशत लाभ हानि दे करके विक्रैमूल पूछेगा, तो डायरेक्ट अप्रोच आप ये अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिएगा। बोला है 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 में बेचा, या 390 सेलिंग प्राइस है, ध्यान रहे। 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 में बेचा, तो क्रैमूल क्या होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि भाई 8% का ना, किसी भी संख्या के 8% का मान 40 है, कोई एक संख्या उसके 8% का मान 40 है, तो फिर उसके 1% का मान क्या होगा, तो
तो आप क्या करोगे कि उस संख्या का 8% बराबर कितना है, 40 है। तो यहां से आप 1% का मान निकालोगे, 1% का मान क्या होगा 40, तो यहां ही रहेगा 8, इस तरफ से इधर आएगा तो बट्टा में, यह क्या हो गया 1% का मान। 8% का मान 40, तो 1% का मान क्या होगा 40/8, यानी जो प्रतिशत वाला वैल्यू है हमेशा कहां जाएगा बट्टा में, इससे 1% का मान निकलेगा। अगर हम आपसे कहे कि 10% का मान है 50, तो 1% का मान क्या होगा 50/10 होगा। अगर हम आपसे कहे कि 80% का मान 1000 है, तो 1% का मान क्या होगा 1000/80, यानी जो प्रतिशत वाला वैल्यू है हमेशा कहां जाएगा बट्टा में, इससे 1% का मान निकलता है। अब 1% का मान इतना है, हम आपसे कहे कि भाई हमें 20% का मान बता दो क्या होगा, तो भाई 1% का मान हमारे पास 40/8 है, या कितने परसेंट का मान है 1% का, हमें बताना है 20% का मान, तो इसमें 20 से गुणा कर लीजिए, 30% का मान तो इसमें 30 से गुणा कर लीजिए, 40% का मान तो 40 से गुणा कर लीजिए, यानी हमारे पास 1% का मान है। अब आपको जितने प्रतिशत का मान चाहिए उतना से आप गुणा कर लीजिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखिए, बोला है 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 में बेचा, तो 390 में जब बेचा तो 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब 390 जो है वो आपका 120% का मान है ना, क्योंकि 390 में बेचा तो 20% का लाभ, तो 20% लाभ का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120%, जबकि विक्रय मूल्य कितना है वास्तव में 390, तो 120% का मान 390, तो 1% का मान बताओ क्या होगा, यही तो होगा 390/120। तो डायरेक्ट यह मेथड आपको उपयोग करना है कि जो वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितना प्रतिशत का मान है उसको नीचे लिखना है, यानी परसेंटेज वैल्यू इसका नीचे रखिएगा, इससे 1% का मान निकलेगा डायरेक्ट। तो 20% लाभ लेकर 390 में बेचा, यानी 390 120% का मान है। अगर बोलता 30% लाभ लेकर 390 में बेचा, इसका मतलब 390 130% का मान, ठीक है। चलिए तो 120 से भाग किए तो 1% का मान निकल गया, हमें क्या बताना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कितना परसेंट, 100% का मान, तो 100 से गुणा कर लेंगे, जितना प्रतिशत का मान देगा उससे भाग और जितना का मान पूछेगा उससे हम लोग गुणा कर लेंगे बस। तो 390 में बेचा तो 20% का लाभ, यानी 390 120% का मान है, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान, 100 से गुणा, सोल्व करिए इसको, 0 से 0 कैंसिल होगा, और अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 होगा, यानी 25 गुने 13 कितना हो जाएगा 325, तो 325 रुपये इस वस्तु का क्या हो जाएगा आपका, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। विक्रय मूल्य दे रखा था, क्या पूछा था हमसे, हम लोगों से क्रय मूल्य पूछा था, तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब यह जो अप्रोच है ना बहुत सारे जगह आपका काम आता है, और भी कुछ डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे हम लोग अपनाएंगे, लेकिन इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं इन चीज़ों को। देखिए इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट इस अप्रोच से बना लेंगे, बोला किसी वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी 4% लाभ और 10% लाभ वाले विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 4% लाभ पर अगर बेचा गया होगा मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा 104%, 4% का लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य 104% होगा, और 10% का लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य 110% होगा। और हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, तो डायरेक्ट यहां से अनुपात निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4% लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 104%, 10% लाभ यानी विक्रय मूल्य 110%, दोनों विक्रय मूल्य है इसका अनुपात यही निकाल दीजिए। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, वैल्यू कटेगा तो काटेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 2 से काटेंगे तो यह आपका 52 हो जाएगा और यह आपका 55 हो जाएगा, तो 52:55 यही इसके विक्रय मूल्य का आपका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि, ध्यान से समझिएगा, 2400 में जब बेचा गया तो 25% का हानि, इसका मतलब क्या हुआ कि 2400 जो है ना वह 75% का मान है, तो 75 से भाग करिए 1% का मान निकलेगा। आप बोलिएगा कि सर यह कैसे जान गए आपकी 2400 75% का मान है, तो बोला है जब 2400 में बेचे तो 25% की हानि हो गई, तो आप बताइए कि 25% की हानि कब होगी, जब वस्तु को हम लोग उसके क्रय मूल्य के 25% कम में बेचेंगे, तो क्रय मूल्य परसेंटेज में 100% मान के चलते हैं, यानी कि 100 से 25 कम 75% में, तो 75% में बेचेंगे तभी 25% की हानि होगी, तो 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि, यानी कि 2400 75% का मान है।
अब हमसे क्या पूछा है कि 25% का लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो 25% का लाभ तो तब होगा जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 125% में बेचेंगे। डायरेक्ट आप अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार बार एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन देखा जाता है। 2400 में बेचने पर 25% की हानि, इसका मतलब 2475% का मान है। कितना में बेचे कि 25% का लाभ, तो 25% का लाभ के लिए हमें वस्तु को 125% में बेचना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में 75% का मान दिया था और 125% का मान पूछा था, तो जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जिसका मान पूछेगा उससे गुणा कर लेंगे। सोल्व करिए इसको, अगर आप सोल्व करते हैं तो 25 से काटिए 25 या 75 होगा, और 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 800 हो जाएगा। 800 गुने 5 कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। यानी कि 4000 रुपये में अगर इसको बेचा जाए, 4000 रुपये में अगर हम इसको बेच देना, तो इस सौदे पर हमें क्या होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला देख लीजिए क्या है, बोला यह है कि एक व्यापारी दो प्रकार के चीजों में से प्रत्येक को 10,000 के दर से बेचा। प्रत्येक को दो प्रकार के चीजों में से प्रत्येक को 10,000 में बेचा है, यानी कि पहला को भी 10,000 में, दूसरा को भी 10,000 में। अब एक पर तो 20% की हानि हुई, लेकिन दूसरे पर 20% का लाभ हो गया, तो पूरे सौदे में उसे क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपका। एक व्यापारी क्या किया है कि दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 रुपए में बेचा है, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। अब एक पर जितना प्रतिशत का हानि हुआ है, दूसरे पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में क्या होगा। तो ऐसे में पूरे सौदे में हमेशा हानि ही होता है। अब हानि कितना का होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर, देखिए परसेंटेज हानि कैसे निकालेंगे, तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बट्टा 100%। इतने प्रतिशत की हानि होगी। डायरेक्ट यह फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। यह फॉर्मूला कब लगाना है, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो। नोट में आप इस चीज को लिख भी लिख लीजिएगा कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो। सेम चेंज करने का मतलब पहले वस्तु पर जितना प्रतिशत की हानि, दूसरा पर उतना ही लाभ, या पहला पर जितना परसेंट का लाभ, दूसरा पर उतना ही परसेंट का हानि। तो सेम चेंज हो गया, तो सेम चेंज हो तो ऐसे सौदे में ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है, हमेशा नुकसान होता है, हमेशा हानि होता है, कभी लाभ नहीं होगा। कब, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो और सेम चेंज हो ना, तो कभी लाभ नहीं होता है। हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, हमेशा लाभ होगा। हानि कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 100%। यहां एक्स के जगह क्या लिखेंगे, वही सेम वैल्यू, जितना परसेंट हानि जितना परसेंट लाभ, उसी को एक्स के स्थान पर। तो एक्स के स्थान पर इस बार 20 लिखेंगे, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 बट्टा में कितना रहेगा, 100, 400 बट्टा 100% का लाभ। इससे काटिए इसको, क्या बचेगा, 4। यानी इस पूरे सौदे में ना 4% का लाभ नहीं, 4% का क्या होगा, हानि होगा। तो दो वस्तु का अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य अगर दो वस्तु का बराबर हो और सेम चेंज हो, इन चीजों को भी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, सेम चेंज हो तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, हमेशा हानि होगा। और हानि कितना का होगा, हानि एक्स स्क्वायर बट्टा 100% का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बोला है कि अनारकली 5000 रुपए प्रत्येक के दर से दो घोड़ा खरीदा। अनारकली दो घोड़ा खरीदी है, प्रत्येक का कीमत 5000 है, बेची नहीं है, खरीदी है। एक पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की हानि हो गई, तो पूरे सौदे में क्या होगा। यहां पे आपका केस बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। ठीक है, यहां पे केस क्या बनेगा, यहां पे केस बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस का। नो प्रॉफिट नो लॉस का केस क्यों बनेगा, क्योंकि देख लीजिए, पहला वस्तु पर जितना प्रतिशत का लाभ, दूसरा पे उतने ही प्रतिशत का हानि। तो पहला वस्तु से जितना कमाया, दूसरा वस्तु में उतना गमाया, पहला वस्तु से जो कमाया दूसरा में नुकसान हो गया, तो दोनों मिलके बराबर हो गया। जितना 5 रुपये कमाए, 5 रुपया नुकसान हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन क्रय मूल्य बराबर रहना चाहिए, क्योंकि 500 का 15%, 5000 का 15% निकालेंगे, 750 लाभ, और 5000 का 15% 750 हानि। तो पहला पे 750 लाभ और दूसरा पे 750 हानि, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य अभी निकाल पाएंगे, 10,000 रुपये के दर से बेचा, उनमें से एक पर 20% की हानि, तो क्रय मूल्य अलग अलग है, पहला का क्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, उसका 20% निकालेंगे। पहला का जो हानि हो रहा है, क्रय मूल्य कुछ और होगा, विक्रय मूल्य ना 10,000 है,
क्रैमूल तो कुछ और होगा उसका 10-20% निकालेंगे, दूसरा का भी क्रैमूल कुछ और होगा उसका 20% निकालेंगे और वह दोनों वैल्यू आपका बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पे दोनों क्रैमूल दे रखा है तो क्रैमूल का 15% निकालेंगे उस केस में दोनों वैल्यू बराबर होगा, बराबर होने के केस में नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बोला है ए अपनी साइकिल को 30% लाभ पर बी के हाथों बेच दिया, ठीक है भाई, बी से 20% हानि पर सी के हाथों बेच दिया और सी इसको 520 रुपये में खरीदा, तो बताएं कि ए को कितना लाभ मिला। देखिए ए अपनी वस्तु को ना 30% लाभ लेकर, प्लस को लाभ को हम लोग प्लस से दर्शाते हैं, 30% लाभ लेकर किससे बेच दिया है, बी से बेच दिया, बी जो है 20% हानि पर सी को बेचा, बी क्या किया है 20% के हानि पर ना या बेच दिया इस वस्तु को सी के हाथों और सी से 520 में खरीद लिया और सी इस वस्तु को कितना में खरीदा है 520 रुपये में खरीदा है। तो पूछा क्या गया है हम लोगों से कि ए ने इसे कितना में खरीदा था, हम लोगों को बताना है कि ए ने कितना में खरीदा था। अब गौर से देखिएगा और कॉन्सेप्ट समझिएगा, ए बेचा है किसके हाथों, बी के हाथों, मतलब ए जितना में बेचा होगा बी उतना में ही खरीदा होगा, तो जो ए का विक्रयमूल होगा वही बी का क्रयमूल हो जाएगा, ए बेच रहा है बी के हाथों तो ए जितना में बेचेगा बी तो उतना में ही खरीदेगा, मतलब जो ए का क्रयमूल होगा वह बी का विक्रयमूल हो जाएगा। बी क्या किया है सी के हाथों बेचा है, तो जो बी का विक्रयमूल होगा वही सी का क्या होगा क्रयमूल होगा, तो सी का क्रयमूल 520 रुपये है तो यही 520 रुपये बी का विक्रयमूल भी होगा। कोई किसी दुकानदार से आप कोई सामान परचेस करते हैं, मान लीजिए एक कलम आप 5 रुपये में खरीदे तो 5 रुपया उस दुकानदार के लिए विक्रयमूल है क्योंकि 5 रुपये में वह बेचा है और वही 5 रुपया आपके लिए क्रयमूल है क्योंकि 5 रुपये में आपने खरीदा है, ठीक है। तो एक का जो क्रयमूल विक्रयमूल होता है दूसरे का क्या हो जाता है क्रयमूल। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, पूछा है कि ए इसे कितने में खरीदा था, तो मान लीजिए कि ए इसे 100 रुपये में खरीदा था। अब ए क्या किया है 30% दाम बढ़ा दिया है, तो 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130%, यानी 130/100 हो गया, मतलब इतना में बी के हाथों बेचा, जितना में खरीदा उससे 30% लाभ लेकर, मतलब 130% इतना में बी के हाथों बेचा। अब बी क्या किया है कि इसको 20% हानि पर, तो 100-20 यानी इसके 80% में ही जितना में बी खरीदा था, ए इतना में बी को बेचा, बी इतना में खरीदा, बी जितना में खरीदा उसके 20% कम है यानी इसके 80% में ही वस्तु को बेच दिया, जबकि बेचा है कितना में 520 में, क्योंकि 520 रुपया सी का क्रैमूल है और जो सी का क्रैमूल होगा वही तो आपका बी का भी क्रैमूल होगा। तो अब तक बी का भी क्रैमूल निकाले हैं, यह भी बी का भी क्रैमूल, दोनों को बराबर करिए और क्वेश्चन को कर लीजिए आप सोल्व। देखिए 0 से 0 कटेगा, काटिए इसको 20 चौके 80, 20 पंचे यह आपका हो जाएगा 100, ऊपर से ऊपर वाला 13 चौके 52 यह पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा। x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 10 × 50 × 10 कितना हो जाएगा 500। x क्या माने थे क्वेश्चन में, जो पूछा था उसी को x माने थे, तो a माने थे इस वस्तु को कितना में खरीदा गया, यानी इस वस्तु को खरीदा गया होगा कितने रुपए में, 500 रुपये में इस वस्तु को खरीदा गया होगा। a इस वस्तु को कितना में खरीदा था, a इस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा था। ओके आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला टाइप देख लीजिए क्वेश्चन का क्या है, जब किसी वस्तु के विक्रयमूल को 71 रुपया बढ़ाया जाए, अच्छा 71 रुपया बढ़ाने का मतलब कि विक्रयमूल में 71 का अंतर हो गया, पहले 100 था तो अब 171, पहले 200 था तो 271, मतलब विक्रयमूल में अंतर कितना का आ गया 71 का, तो लाभ 25% बढ़ गया, तो लाभ में 25% की वृद्धि यानी कि विक्रयमूल में 25% की वृद्धि, लाभ को जितना बढ़ाएंगे विक्रयमूल उतना बढ़ेगा। तो देख लीजिए वास्तव में विक्रयमूल में परसेंटेज में कितना का अंतर आया 25% का, क्योंकि जितना लाभ को बढ़ाएंगे विक्रयमूल में उतना का अंतर आएगा, जितना लाभ को घटाएंगे विक्रयमूल में उतना का अंतर आएगा, ठीक है, जितना हानि बढ़ेगा विक्रयमूल में उतना अंतर आएगा, जितना हानि घटेगा विक्रयमूल में अंतर आएगा, यानी लाभ और हानि में कमी और वृद्धि जो होगा वह विक्रयमूल के अंतर को दर्शाएगा। सिंपल सी बात है कि 25% की वृद्धि होती है तो लाभ में 25% की वृद्धि होगा तो विक्रयमूल में 25% का अंतर आएगा, विक्रयमूल भी तो 25% बढ़ेगा, तो लाभ और हानि में जितने परसेंट की वृद्धि कमी होगा वह विक्रयमूल के अंतर को दर्शाएगा। तो देखिए परसेंटेज में लाभ में 25% की वृद्धि और रियल में 71 रुपये, तो यह जो 71 रुपये है ना वो आपका 25% का मान हो गया। देख लीजिए दोनों एक ही चीज़ है तभी बराबर करिएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 25% बराबर क्या लिख सकते हैं 71 रुपये, कब जब दोनों एक ही चीज़ होगा।
तो विक्रय मूल्य को 71 रुपया बढ़ा दिया गया तो लाभ में 25% की वृद्धि, तो लाभ में 25% वृद्धि कब होगा, जब विक्रय मूल्य 25% बढ़ेगा, तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य 25% बढ़ा, रुपए के रूप में 71 रुपए, तो परसेंटेज में विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, रियल में 71 रुपए, 25% का मान 71, तो 1 का मान 71/25 डायरेक्ट, है ना, रुपया वाला वैल्यू ऊपर, परसेंटेज वाला नीचे, हमें बताना है क्रय मूल्य यानी 100% का मान 100 से गुणा कर लीजिए। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 25 चौक के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 71 गुने 4 करिए कितना होगा, 284, यानी 284 रुपये जो है, 284 रुपये उस वस्तु का आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि जब किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना 465 में बेचने पर हानि। देखिए 535 में बेचने पर उतना ही लाभ जितना 465 में बेचने पर हानि, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालने के लिए इस दोनों का औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे निकालिएगा, इस दोनों को जोड़ करके आपको भाग कर देना है 2 से, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, दोनों को जोड़िएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000/2 कितना होगा 500, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 500 रुपये हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, देख लीजिए, बोला है 535 में बेचने पर उतना ही लाभ जितना 465 में बेचने पर हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, औसत निकाल लीजिए। देख लीजिए क्रय मूल्य कितना आया 500, तो 500 का वस्तु 535 में बेचिए कितना का लाभ होगा, 35 का लाभ होगा, और 500 के वस्तु को 465 में बेच लीजिए हानि हो जाएगा, कितना का हानि होगा, 35 का हानि होगा, तो जितना का लाभ हुआ उतना का ही हानि हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है ना। ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ले क्रय मूल्य कितना ले कि लाभ और हानि बराबर आ जाए, तो 600 रुपया लेंगे तो 600 का वस्तु 535 में बेचेंगे तो लाभ तो होना नहीं है, इसको हटा दीजिए क्योंकि 535 में बेचने पर लाभ होता है। 500 लेते हैं क्रय मूल्य, तो 500 का वस्तु 535 में बेचेंगे तो 35 का लाभ, 500 का वस्तु 465 में बेचेंगे तो 35 का हानि, बराबर हो गया। तो ऑप्शन से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। बोला है किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा गया, ठीक है भाई, 19% की हानि पर बेचा गया, तो 100-19 क्या होता है 81% में वस्तु को बेच दिया, लेकिन 120 रुपये अधिक में, यहां से अगर 120 रुपये ज्यादा में बेचता, ठीक है, 19% की हानि पे जो बेचा गया वहां से 120 रुपये अधिक में बेचता, तो 21% का लाभ कब होगा, जब 121% में वस्तु को बेचेंगे। ध्यान से प्रतिशत और मूल डाटा में संबंध समझिए, पहले 19% की हानि पर बेचा गया, तो 19% की हानि का मतलब 100-19 वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 81% में बेच दिया गया होगा। अब यहां से बोला 120 ज्यादा में बेचेंगे तो 21% का लाभ होगा, 21% का लाभ कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 121% में बेचेंगे। तो परसेंटेज में देखिए विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना का हुआ, 81 से 121 में अंतर कितना का हो गया, अंतर आपका हो गया 40 का, तो परसेंटेज में देख लीजिए विक्रय मूल्य में वृद्धि 40% का, जबकि रियल में विक्रय मूल्य में वृद्धि 120 रुपये का, तो यह 40% 120 रुपये का मान है, तो 1% का मान क्या होगा 120/40, और हमें बताना है क्रय मूल्य यानी 100% का मान, इसी में गुना करेंगे कितना से 100 से, लेकिन डायरेक्ट देख लीजिए अप्रोच क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या हुआ है 19% की हानि हो गई, अब 19% की हानि से 21% का लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में 120 का अंतर आता है, तो देखिए हानि से लाभ, परसेंटेज में गौर से देखिए 19% हानि से 21% लाभ कब होगा, जब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो विक्रय मूल्य में अंतर आ जाएगा, तो 19 और 21 में कितना का अंतर 40 का अंतर, ध्यान से समझिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दो रंग रहे ना, है ना, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस दो रंग है, तो दो रंग जब रहे तो अंतर जो है विक्रय मूल्य में जोड़ कर आप निकाल लीजिएगा, परसेंटेज अंतर विक्रय मूल्य में जोड़ कर निकल जाएगा, लेकिन दोनों प्रॉफिट रहे या दोनों लॉस रहे तो विक्रय मूल्य में अंतर कैसे निकलेगा, घटा करके निकलेगा दोनों के लिए, मतलब दो रंग रहे तो जोड़ कर और एक रंग रहे तो घटा कर, विक्रय मूल्य में डायरेक्ट अंतर निकालने का तरीका। तो 19% की हानि 21% का लाभ, दो रंग है तो विक्रय मूल्य में अंतर जोड़ कर, तो 19 और 21 कितना 40, तो विक्रय मूल्य में अंतर 40% का, जबकि रुपए के रूप में 120, तो इसका मतलब है 120 जो है वो आपका कितने परसेंट का मान हो गया, 40% का मान हो गया। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी 100% का मान 100 से गुणा कर लीजिए, 40 दिया 120, 3 × 100 यानी कि 300 रुपये, यही आपका क्या होगा, यही आपका इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है,
दो रंग रहेगा तो जोड़कर एक रंग तो घटा के किसको किस तरह के क्वेश्चन में पहले 19% की हानि पर बेचा गया, अब 120 ज्यादा में बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य में अंतर लाया तो लाभ इतना हुआ। तो 19% हानि से 21% लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में 19 + 21 40% का अंतर आएगा, जबकि रुपए के रूप में 120 का अंतर, तो 40% का वैल्यू 120 है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। इस तरह का एक और क्वेश्चन होना चाहिए था, चलिए नहीं है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेची है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मनीषा किसी वस्तु को क्या की है 20% लाभ पर बेचती है। आगे बोला है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदती और 5 रुपये कम में भी बेचती फिर भी उसको 25% का लाभ हो जाता। अब इस पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, मनीषा किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेच दी, अब बेचने के बाद वह सोच रही है, इमेजिन कर रही है कि अगर हम 20% कम में खरीदते और 5 रुपये कम में भी बेचते, इस पर ध्यान रखिएगा रुपए के रूप में केवल यही एक वैल्यू दिया है, 5 रुपये कम में भी बेचते यानी पहले जितना ही बेचे है उससे 5 रुपये कम में, विक्रय मूल्य में कितना का अंतर 5 रुपये का, पहले जितना ही बेची उससे 5 रुपये कम में भी बेचते फिर भी 25% का लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, हम मान लिए कि माना कि इस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब यहां से सोचना शुरू करिए, बोला क्या है कि 20% लाभ पर बेचती है तो 100 रुपये के वस्तु को पर 20% का लाभ कब होगा, जब 120 में बेचेगी, मतलब फर्स्ट टाइम यह 120 में बेच ली है तभी तो 20% का लाभ होगा। अब आगे क्या बोला है कि अगर उसे 20% कम में खरीदती, तो अभी खरीदी थी कितना में, 100 में, 20% कम में खरीदती मतलब 100 का वस्तु कितना में खरीद लेती, 80 में, और 5 रुपये कम में भी बेचती इस क्रय मूल्य पर, 5 रुपये कम में भी बेचती इस क्रय मूल्य पर, 5 रुपये कम में भी बेचती फिर भी 25% का लाभ, तो इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कब होगा, जब इसके 125% में वस्तु को बेचा जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करिए, 25 से काटिए इसको, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 से काटिए कितना हो जाएगा 20, 20 × 5 कितना हो गया आपका, 20 × 5 = 100 हो गया, मतलब कि इस विक्रय मूल्य में अगर बेचा जाता तो उसको क्या होता 25% का लाभ। पुनः समझिए, क्रय मूल्य माने 100, 20% लाभ पर बेचा गया यानी विक्रय मूल्य कितना 120। अब इमेजिन करें कि 20% कम में खरीद, तो 100 का वस्तु कितना में खरीदती, 80 में खरीदती फिर भी 5 रुपये कम में भी बेचती फिर भी 25% का लाभ, यानी इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कब होगा, जब इसके 125% में वस्तु को बेचेगी। तो यह आपका पहले वाला विक्रय मूल्य है और यह आपका बाद वाला विक्रय मूल्य है, और दोनों विक्रय मूल्य में यूनिट में देख लीजिए, परसेंटेज में देख लीजिए कितना का अंतर, 120 से 100 हो गया 20 का अंतर, है ना, विक्रय मूल्य में कितना का कमी हुआ 20 का, जबकि रुपए के रूप में 5 रुपये का कमी, यानी यह जो 5 रुपये है ना वह 20% का मान है, तो 20 से भाग करिए 1% का मान, हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान कितना, तो गुना करेंगे 100 से। यूनिट में भी समझ सकते हैं कि 120 पहले वाला विक्रय मूल्य और अभी 100, तो विक्रय मूल्य में कमी कितना का आ गया, दोनों समय के विक्रय मूल्य में 20 यूनिट का, जबकि रुपए के रूप में 5 रुपए का, तो 5 रुपए 20 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान 5/20, और हमें बताना है क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट का मान, तो 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए, 20 × 5 = 100, 5 × 5 25 रुपए, तो 25 रुपए जो है उस वस्तु का क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग को करना है, अभी हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें। अगला देखिए क्या है, बोला है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है। देखिए एक बेईमान दुकानदार है जो वस्तु को खरीदने में भी धोखा देता है और बेचने में भी धोखा देता है, खरीदने वक्त 1%, बेचने वक्त भी 1%, तो उस दुकानदार को कितना लाभ होगा, दो बार लाभ होगा ना, खरीदने वक्त भी और बेचने वक्त भी, तो उस दुकानदार को होने वाला कुल लाभ इस फॉर्मूला से निकालेंगे, a + b / ab/100, जहां a के जगह खरीदने वक्त होने वाला लाभ, तो खरीदने वक्त भी 1%, बी के जगह बेचने वक्त होने वाला लाभ, बेचने वक्त भी 1%, ए बी तो ए के जगह 1, बी के जगह 1 और बट्टा में 100। ए के जगह क्या लिखना है, खरीदने वक्त जितने परसेंट का धोखा देता है, बी के जगह बेचने वक्त जितने परसेंट का धोखा देता है, इस बार दोनों बराबर है, अलग अलग भी हो सकता है, 1 और 1 क्या होगा 2, प्लस 1 × 1 एक, एक में 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, 0.1, 2 में 0.01 जोड़ेंगे तो 2.01, यानी 2.01% का, 2.01% का इस दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा। खरीदने वक्त अगर
ए प्रतिशत का धोखा, बेचने वक्त बी प्रतिशत का धोखा, तो उस दुकानदार को होने वाला कुल लाभ इसी फॉर्मूला से आपको निकालना है। मान लीजिए बोलता कि खरीदने वक्त 10% का धोखा, बेचने वक्त 20% का धोखा, तो फिर कुल लाभ क्या होगा, ए गुने बी जोड़ ए बी बट्टा 100। ठीक है, इस फॉर्मूला का आपको उपयोग करना है और ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रेमुल पर ही बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो उस दुकानदार को होने वाला लाभ बताइए। अब देखिए प्रतिशत लाभ ही पूछा है। 1 किलोग्राम का मतलब पता है क्या होता है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यह क्या करता है कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम प्रत्येक ग्राम का कीमत 1 रुपया मानेंगे, तो 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया हो जाएगा। तो क्या किया है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 रुपया के सामान, रुपया कितना लेता है, कीमत कितना लेता है 1000, और सामान कितना देता है 960 रुपये का, तो इसको लाभ कितना का होता होगा, अगर ग्राम के रूप में देंगे तो 40 ग्राम का लाभ होता है। अच्छा, यह 40 ग्राम का लाभ होता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तोलेगा, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तोलेगा, तो उसको 40 ग्राम का लाभ होगा। अब इस 40 ग्राम के लिए इसका लागत कीमत क्या है, तो जितना यह वस्तु देता है 960 ग्राम वस्तु देता है, तो इसका लागत तो 960 ग्राम का ही लगता होगा, उसको 1000 ग्राम का तो लागत नहीं लगता होगा, क्योंकि 1000 ग्राम तो वह देता ही नहीं है, 960 ग्राम ही देता है, तो जितना देगा उसका लागत तो वही होगा। तो 40 ग्राम का लाभ होता है 960 ग्राम पर, प्रति देने पर प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 से। हमेशा क्या लिखना है बट्टा में, कितना ग्राम देने पर, काटिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा 24 हो जाएगा, 4 से काटिएगा 6 होगा, और 4 से इसको काटिएगा 25, 25/6 यानी कि 4 पूर्णांक, यहाँ पे 4×4=24 हो जाए ना, और 25/6 ही लिखा हुआ है, तो 25/6% का क्या होगा, 25/6% का जो है इस दुकानदार को लाभ हो जाएगा। मान लीजिए बोला होता कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम तोलता है, तो लाभ कितने ग्राम का, 80 ग्राम का, बट्टा में कितना लिखते हैं 920, प्रतिशत के लिए गुना करते हैं हम 100 से। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रेमुल पर बेचने का दिखावा करता है और 25% लाभ भी कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोलता होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, देखिए 25% का मान आप पहले निकालिए, तो 25% का मान 25/100 यानी 1/4 हो जाएगा, यह 25% का मान हो गया। अब आप देखिए कि लाभ है कि हानि, अगर लाभ रहे ना तो इसका होल वैल्यू आप निकालिए जोड़कर, तो 4 और 1 5 ऊपर वाले में जोड़ दीजिए और बट्टा में सेम रखिए, यही आपका होल वैल्यू कहलाएगा। फिर से देखिए, पहले 25% का मान निकालेंगे, 25/100 1/4 आ गया, अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे, है ना, होल वैल्यू शॉर्ट में लिखते हैं। होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगले दिन हम लोग देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से भी करेंगे। होल वैल्यू क्या होता है, 25% का मान 1/4, अब 1/4 लाभ रहे तो होल वैल्यू नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ देना है, नीचे में सेम रहेगा, तो 4 और 1 5 5/4, और हानि रहे तो नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा लेना है, तो 4 - 1 = 3 3/4, है ना। अगला दिन डिटेल में हम लोग होल वैल्यू को सीखेंगे, फिलहाल होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। 10% का मान 1/10, लाभ रहे तो 11/10, ठीक है। उसी तरह से 20% का मान 1/5, लाभ रहे तो 5 को ऊपर में जोड़ेंगे 6/5 हो जाएगा, तो 25% का होल वैल्यू क्या है 5/4। अब यहाँ पूछा है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें ताकि इसको 25% का लाभ हो, तो जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है ना उसके होल वैल्यू से इसमें उल्टा गुना कर दीजिए। होल वैल्यू कैसे निकालना है हमने आपको बताया, और होल वैल्यू का उल्टा गुना आपको कर लेना है, तो 5 से काटिए 20 × 5 = 100, 200 × 4 यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर यह 800 ग्राम तोले ना, 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर यह 800 ग्राम तोले, तो इसको जो है वह 25% का लाभ हो जाएगा। तरीका हमने क्या बताया आपको कि जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है उसका हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे, जैसे 25 तो 1/4 होल वैल्यू नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़िए, नीचे में सेम रहेगा, तो 5/4, ठीक है, 5/4 होल वैल्यू आया। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोले कि 25% का लाभ हो, तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में इस होल वैल्यू का आपको कर देना है उल्टा गुना, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही क्वेश्चन था, और लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने टच कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको हमने टच कर दिया है। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे, लेकिन
प्रॉफिट एंड लॉस का क्रम अभी जारी रहेगा और यूथ वाले बुक से जो वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से पूछा गया है उन क्वेश्चंस को भी हम लोग जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इतना सपोर्ट आप लोगों से हमें चाहिए होगा। इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, जय।